हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी गढ़वाल कार्यालय कच्छ में आज जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खेलकूद प्रोत्साहन के क्षेत्र में सुविधाजनक कार्य योजना बनाए जाने हेतु विस्तृत चर्चा हुई। जिला क्रीडा अधिकारी ने समिति के कार्यो एवं गत वर्ष के कार्य प्रगति की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सुविधा मुहैया कराने की बात रखी। साथ ही अवगत किया कि पुरानी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला क्रीडा अधिकारी को नियमावली के अनुरूप शीघ्र नई समिति गठित करने हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन एवं आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सहयोग मुहैया कराने हेतु ऐसी कार्य योजना बनाई जाए कि समुचित व्यवस्था को सुगमता से संपादित किया जा सके। उन्होंने प्रबंधन समिति की कार्य योजना बनाने में नियमावली एवं अन्य सदस्यों से भी सुझाव लेने के निर्देश दिए। साथ ही विकास खंड स्तर के लोगों को भी शामिल करने को कहा कि कम से कम हर वर्ष 3 खिलाड़ी को सम्मानित करें। उन्होंने खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित खेल प्रतियोगिता कराने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी डॉक्टर एस के बर्नवाल, जिला क्रीडा अधिकारी अरुण बंगयाल, DOPRD गणेश थपलियाल, वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी विक्रम सिंह रावत, DSTO संजय शर्मा, सचिव फुटबॉल एसोसिएशन सुनील रावत, महेश्वर सिंह नेगी, डॉक्टर जगदीश नेगी, उमा रौथार सहित अन्य उपस्थित थे। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। समिति का जिला खेल प्रोत्साहन समिति का बैठक का आज आयोजन किया गया। इसमें सभी जो नामित सदस्यगण हैं, जो खेल के संबंध में खिलाड़ी हैं और जो प्रशिक्षक हैं, उनके साथ में मिलकर एक खेल प्रोत्साहन समिति का जनपद स्तर पर हम लोग गठित करने का विचार कर रहे हैं। इसमें जो प्रमुख बिंदु रहेगा कि भविष्य में जो हमारे खिलाड़ी होंगे या फिर जो खेल में प्रतिभा करने वाले बच्चे होंगे, उनको खेल के रूप सहायता के रूप में जो भी हम उनको मदद कर सकते हैं, क्रीड़ा सामग्री के रूप में या फिर खेल प्रतियोगिता में प्रतिभा करने के लिए, तो उसके मानक क्या होना चाहिए, कितना खिलाड़ियों का हम लोग पुरस्कृत कर सकते हैं, और भविष्य में जो खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छा उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको भी एक पारितोषिक राशि हम लोग रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आज विचार किया गया है। समिति के मेंबर्स कैसे चयनित किया जाएगा, नामित सदस्य कहाँ से, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और नियमावली के अन्य बिंदुओं के बारे में भी सुझाव के रूप में हमने आज प्रथम बैठक किया है, और सभी सदस्य गणों से आमंत्रित जो थे आज की बैठक में उनसे सुझाव हमने कहा है कि आप जल्द से जल्द अपने सुझावों को लिखित रूप में हम तो उपलब्ध करा दें, ताकि भविष्य में इसका नियमावली को विस्तृत स्वरूप दिया जाए।